नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यानी कि आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का अभ्यास 4B का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे कहते हैं इक्वेशन यानी कि समीकरण। 5x² = 9+x² को हल करना है। ये आप देख रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अभ्यास 4B सवाल नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 मनोहर प्रकाशन के बुक के अकॉर्डिंग, जो कि सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है। इसमें देखो, पहले एक बात मैं बेसिक आपको बता दूं, जो एक्स वाई होते हैं ये सभी जितने भी होते हैं ए टू जेड, ये सभी वेरिएबल यानी कि चर पद कहलाते हैं। 1 से लेकर 100 तक जो भी नंबर होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट अचर पद। माफ करिएगा, 100 नहीं, अनंत तक कोई भी नंबर होगा। तो इसमें हम करते क्या है, कॉन्स्टेंट को एक तरफ करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं। तो ये भाई जो आपका कांस्टेंट वेरिएबल मिक्स है इसको एक तरफ कर लिया, एक्स स्क्वायर इसके सजातीय पद है इसको इधर कर लिया, इधर प्लस में था बराबर किधर आया, माइनस हो गया। ये बराबर ऐसे 9 को ऐसे लिख लिया, इसमें से सबट्रैक करेंगे तो 4x² = 9, x² = ये 9, 4 इधर मल्टीपल में है इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x = ये अंडर रूट में हो जाएगा 9/4, बिकॉज इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना जी, समझ गए। तो इसके आगे मैं निकाल देता हूँ, ये लो, जब इसका आप वर्गमूल करोगे 9 का तो 3 आएगा, 4 का करोगे तो 2 आएगा। इस तरह से आप x की वैल्यू पा गए क्या, 3/2। नोट कर लीजिए, हो गया। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए भाई, देखिए कुछ जुखाम उखाम हो रहा है क्योंकि रात में बहुत देर हो जाता है क्लास रिकॉर्ड करने में, ये 2-3 बज जाता है, इसी वजह से कभी कभी आपकी सुबह की क्लास हो भी नहीं पाती है, तो बहुत सारा इस समय विषमताएं चल रही हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। फिलहाल देखो जी, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, समीकरण x - 2x + 2 = 5, इसको आप कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। इसको करने का एक आसान तरीका ये होता है कि a - b a + b का फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा a² - b² यानी कि 2² = ये 5 था तो ऐसे लिख दिया। आप इसको जानते हो ना फार्मूला, ये a + b और a - b = a² - b² होता है। छाप लीजिए जल्दी जल्दी से, आप लोग नोट करते चलिए, ये फार्मूला होता है और इसी के अकॉर्डिंग ये हो चुका है आपका, ठीक है। तो इसको अब आप लोग क्या करोगे, ये हो जाएगा x² - 2² = 4 = 5, x² ये 5 ऐसे रहेगा, 4 आप इधर से उधर ले जाओगे तो यहाँ माइनस था तो इधर ये प्लस हो जाएगा, तो x² = ये दोनों 8 होगा, 9 हो जाएगा, x = इसका आप वर्गमूल कर लोगे 9 का तो +-3 आएगा, यानी कुल मिलाकर के एटलीस्ट आंसर कितना आया, 3। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 16, हो गया 17, हो गया आप देखिए 18, 2 × x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल 162, यही है ना। इस समीकरण को हल करके आपको x का वैल्यू निकालना है, तो चलो कर लेते हैं। पहले x - 9 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो, इक्वल 162, ये 2 इधर इसके डिवाइड गुणा में है, मल्टीपल में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो आप पाओगे x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल 81, क्योंकि ये कट जाएगा ना 2 से 162। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, सिंपल सी बात है, इधर जो है ये भी एक संख्या का वर्गमूल है, इधर भी दोनों पक्षों का आप अंडर रूट कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ये लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग नहीं वर्गमूल लेने पर, तो ये वर्गमूल लोगे तो x - 9 आएगा इक्वल ये 9 हो जाएगा, है ना, यही तो आएगा, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल आपका +-2 आएगा, वर्गमूल दोनों चिन्ह में आता ना जी,
इतना आया समझ में? तो इसमें अब आप एक बार प्लस का चिन्ह लेके करोगे, एक बार माइनस का, तो दोनों स्थिति में आपके दोनों आंसर आएंगे अलग अलग, और मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं, यदि x की वैल्यू उधर साइड में प्लस लेते हैं तो क्या होता है, प्लस लेंगे तो x इक्वल ये 9 और ये उधर जाएगा तो प्लस यानी 18 आएगा। जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस लेंगे तो x इक्वल माइनस 9 प्लस 9 मतलब 0 आएगा। इस तरह से x के दो मूल आएंगे, एक 0 और एक 18 यानी कि 18। समझ में आया? ये दोनों उत्तर होंगे इसके, x इक्वल 18 और x इक्वल 0 दोनों क्या होंगे, आंसर होंगे इस समीकरण के, क्योंकि ये द्विघात समीकरण था। नोट कर लो जल्दी से, रोक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना? तो आगे चलें, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिएगा निसंकोच, बिल्कुल आपकी अपनी क्लास है ये PBR स्टडी, सुबह 8 बजे से डेली देखिए आप क्लास, केवल सैटरडे संडे को नहीं होती बस। और ज़्यादा जानकारी के लिए, अन्य सभी क्लास के लिए, आप PBR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें, लिंक आपको दी गई है, अथवा आप फेसबुक पर PBR स्टडी लिखकर सर्च करिए। देखो एक और सवाल आ चुका है, 19 नंबर, 3x/4 माइनस 4/3x=0, इसको हल करना है, ये माइनस में है तो इसको एक तरफ कर लो, माइनस वाला दूसरे तरफ भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? एक तरीका है आसान, बाकी दूसरा तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके हर बराबर कर लेते, तो ऐसे भी अब आप क्रॉस मल्टीपल ही करोगे तो 9x² होगा, 3x का गुणा 3x में करोगे तो 3x का 3x में, 3 का 3 में कर लेते हो 9 हो जाता है, x का x में करते हैं तो x का स्क्वायर, 4 का गुणा 4 में करोगे 16 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल ये 16, 9 उधर जाएगा नीचे चला जाएगा, तो x बराबर आप इन दोनों को क्या करोगे, वर्गमूल, तो ये 3/2 आएगा प्लस माइनस में, x की वैल्यू 3/2 प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट कर लीजिए, तुरंत हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल, देखिए ये लास्ट सवाल 4B का लास्ट सवाल। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को तो हम लोग करेंगे ही, साइड में दिया गया ना, PBR स्टडी को फेसबुक पर सर्च करके ऑफिशियल पेज को अवश्य लाइक करें, जिससे आप इस क्लास को फेसबुक पर बिल्कुल फ्री में देख सको, वरना यूट्यूब पे आप नहीं देख पाओगे हर दिन। तो इसको हल करते हैं अलग अलग दोनों साइड, क्रॉस मल्टीपल कर लो, x का स्क्वायर प्लस ये 9, नीचे नीचे का करोगे 3x, इधर भी वैसे करोगे x का स्क्वायर प्लस 144/12x। इतना क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलो इसको ऐसे करते हैं इधर उधर, इसका इसमें, तो ये आपका क्या बन जाएगा जान रहे हो? कर लेते हैं बिल्कुल बिना कुछ सॉल्व किए, x का स्क्वायर प्लस 9, ये 3x, x स्क्वायर प्लस 144, है ना क्लियर? अब क्या करोगे आप जान रहे हो? देखो भाई सिंपल सी बात है, ये 3x है, आप 3x से इसको काट दोगे, 12x जो इधर था, ये 12x था ना जी, 3x से काट दोगे तो 4x बचेगा, और x का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 9, x का स्क्वायर प्लस 144। अब इसी को आपको हल करके x की वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। आप एक काम करो, अगर इसका इसमें हम गुणा कर देते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, इसलिए आप गुणा मत करिए इसका, इसको इधर साइड में लाने का एक चांस है कि नहीं, है ना जी, ले आऊं कि ना लाऊं? इधर साइड में गुणा में है, इसको उधर ले जाके आप भाग में कर सकते हो, एक ऑप्शन है और वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। यहां पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, 3x से जब 12x काटोगे तो क्या बचेगा, ये 12x है, ये 3x है, सिंपल सी बात देख लो, पहले x से x कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, x का नाम निशान नहीं रहेगा, 3 से काटोगे तो 4 आएगा बाबू, तो यहाँ पे ये x नहीं रहेगा बिल्कुल। अब और आसान हो गया, इसमें मल्टीपल कर लो, ये 4x² प्लस 4 9 36
और ये एक्स स्क्वायर प्लस 144, क्लियर। अब आप क्या करोगे, 4x का स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा बिकॉज इधर प्लस में है, ये 144 वैसे लिख लेंगे, इधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 3x स्क्वायर, इसमें से जब आप 36 घटाओगे तो कितना आएगा जानते हो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो जल्दी से बताओ, 108 आएगा लगभग, कितना आएगा 108, और फिर ये x स्क्वायर बराबर 108 बटा 3, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, परेशान मत होइएगा, दिख तो रहा है वैसे ना, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, इतना हो गया। अब आप क्या करोगे इसके आगे, अब आप इसका वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, 3 से इसको काट दोगे, पहले 3 3 9 और 3 6 18, यानी फाइनल में आपका आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल 36, x इक्वल आएगा प्लस माइनस 6, क्या आएगा 6 आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। इस तरह से आपने 4 का भी खत्म कर लिया, अब 4 का सी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत कम कोर्स है, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, है ना। तो अब हम लोग ख़त्म करने के चक्कर में चल रहे हैं, सवाल 4-5 हो गया 10 मिनट में, बाकी बहुत बड़ी क्लास करने से कोई मतलब नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए ना, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल सीख जाइए, बस यही उद्देश्य रहेगा, लिख लिए होंगे आप लोग, तो चलें हम। तो देखो हम आप सभी को एक बात बता दें कि आप लोग अगर डेली क्लास चाहते हो और कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आपको पहले नंबर तो पीवीआर स्टडी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना होगा, और दूसरा नंबर पे क्या करना होगा, पीवीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, आप एफबी जरूर चलाते होंगे, उस पर सर्च करें पीवीआर स्टडी, और जैसे आप सर्च करोगे ऊपर पीवीआर स्टडी का लोगो लगा हुआ एक पेज आएगा, अंगूठे का एक निशान होगा ऐसे, उस पर क्लिक करोगे तो वो डार्क ब्लू हो जाएगा, यही आपको करना है, लाइक करना है, फिर आप फेसबुक पर इस क्लास को देख पाओगे आसानी से। एनी हेल्प चाहते हो तो आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर पीवीआर स्टडी का ऑफिशियल फेसबुक नंबर, ट्विटर नंबर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, सब कुछ इसी से, इसी पे आप अपनी पेड क्लास भी कर सकते हो, UPI ID भी है ये @YBL लगा करके, ये UPI ID भी है, एक ही नंबर में सब कुछ, एक देश एक सरकार एक टैक्स, आपने सुना था ना अभी जल्दी में ही, तो बस उसी पर ये भी डिपेंड है, एक पे ही सब कुछ। तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, अगली क्लास में देखेंगे 4 का सी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल करना, तो इंतजार करिएगा, शाम की सभी क्लास अपने समय अनुसार स्टार्ट होंगी, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं राज कुमार रघुवंशी फिर से एक नई क्लास एक नई उम्मीद के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, देखते और दिखाते रहें आपका पीवीआर स्टडी, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। तो एक बार फिर से, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।